जी सलाम अलैकुम जी। मैं आज एक बात को थोड़ा रिवाइज़ करना चाहता हूँ। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि जो हमारी एमजी गाड़ी है, एमजी गाड़ी उसकी जो इनवॉइस थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, और साथ इसके जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस थे वो मैंने कम बताए थे, क्योंकि हमारा चालान आया था तो मैंने उसमें देखा था कि एकदम कोई 1,42,000 ऊपर कुछ पैसे थे। वो हमारा जो एमजी की रजिस्ट्रेशन है उसके उसकी जो प्राइस है और उसकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से जो है ना वो हमें रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो है ना बेयर करने पड़े। तो मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि जो लास्ट वाली एमजी की प्राइस मैंने रजिस्ट्रेशन की फ़ी बताई थी, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बताई थी, वो थी तकरीबन कोई आई थी 70-80 हज़ार रुपया, लेकिन जो एक्चुअल हमारा चालान बन के आया था वो था तकरीबन कोई 1,42,000 समथिंग था। तो उसमें 1,42,000 इस तरह बन रहा है क्योंकि इसमें हमने कुछ सर्विस चार्ज पे किए थे कंसल्टेंसी, तो ये राउंड अबाउट हमारा बनता है तकरीबन कोई 1,36,37 इसी के राउंड अबाउट एम जी के रजिस्ट्रेशन के जो है ना पैसे चार्ज हो रहे हैं। और इसके बाद जो स्मार्ट कार्ड है वो इशू हो रहा है, स्मार्ट कार्ड है जो एक्साइज एंड टैक्सेशन जो पंजाब है वो स्मार्ट कार्ड इशू कर रही है। ठीक है, तो ये थी उसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।